नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं यूपीएस न्यूज 24 लाइव। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सोलर प्लांट के ठेकेदारों ने फलौदी के बड़ी सिड गांव में 10,000 खेजड़ी के वृक्षों की कटाई करके जमीन में दफनाने का मामला, विश्नोई समाज में भारी रोष। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फलौदी जोधपुर से मिल रही। राजस्थान के राज वृक्ष खेजड़ी की अंधाधुंध फलौदी क्षेत्र में कटाई की गई। फलौदी एडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन अनशन धरना चल रहा है। अनिश्चितकालीन धरने के दौरान स्वामी कृपाचार्य बड़ी धाम ने राजस्थान सरकार को खुली चेतावनी दी। 23 जून तक राजस्थान सरकार पर्यावरण प्रेमियों की मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो 23 जून 12 बजे आत्महत्या करने की खुली चेतावनी दी। राजस्थान के जनपद जोधपुर से कैलाश विश्नोई की खास रिपोर्ट। हर खबर सबसे पहले। हमारी जायज मांगे, किसी प्रकार की कोई किसी के साथ ना इंसाफी नहीं है। हमारी मांगे मानने से किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। किसी प्रकार के रोजी रोटी के खिलाफ कोई कार्रवाई अन्याय नहीं हो पाएगा। उससे नितांत जायज मांगे हैं, वो भी अगर सरकार ने नहीं मानी तो सरकार की मशीनरी सुन रही है। 23 तारीख को 12 बजे एडीएम ऑफिस के सामने मैं आत्मदाह कर लूंगा, इसमें कोई दोरा नहीं। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यूपीएस न्यूज 24 लाइव।